नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। ये आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, जिसे देख के आप समझ सकते हैं कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ, सावन शिवरात्रि का आज पावन अवसर है, ऐसे में आज मैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूँ। और आप एक नज़र डालिए कि यहाँ पे कितनी संख्या में शिव भक्त यहाँ पे मौजूद है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, आप भीड़ देख सकते हैं कि श्री दुधेश्वर महादेव मठ मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये कतार सुबह से ही लगी हुई है और आज R9 की टीम पहुंची है दुधेश्वर नाथ मंदिर। तो आज सावन शिवरात्रि है। वैसे भी कहा जाता है कि शिव जी का जो सबसे प्रमुख और सबसे जो पसंदीदा महीना होता है वो सावन का महीना होता है, और ऐसे में आज का दिन है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज है शिवरात्रि और शिवरात्रि का दिन बेहद ही खास माना जाता है। कहते हैं कि हर महीने में शिवरात्रि होती है, पर जो सावन की शिवरात्रि होती है उसका विशेष महत्व माना गया है। आप एक नज़र डालिए कि यहाँ लेडीज़ की लाइन लगी है और वहीं मेरे राइट साइड में जो है वो जेंट्स की लाइन लगी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग बहुत ही आराम से यहाँ आ रहे हैं और बस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी है। बस एक नज़र शिव जी का दर्शन करना हर शिव भक्त चाहते हैं। सावन शिवरात्रि हो और सबसे ज़्यादा जो यहाँ दिक्कत होती है वो बस भीड़ की दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर से निकल के मंदिर तक आते हैं। और ख़ास बात इस सावन के महीने में ये होती है कि जो श्रद्धा और विश्वास मन में उमड़ता है वो हर बार नहीं उमड़ता, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सावन का त्यौहार है, सावन शिवरात्रि का दिन है। कहाँ से आ रहे हो, क्या कहोगे? हम गाजियाबाद से हूँ मैं, और मैं अपने घर से नंगे पैर दौड़ता हुआ यहाँ तक आया हूँ। जी, तो आपने सुना कि ये आस्था ही है, जो लोग काफ़ी दूर दूर से नंगे पैर दौड़ते हुए चले जाते हैं। और सावन में कांवड़ियों का भी विशेष महत्व है, बहुत दूर दूर से लोग बस इसलिए मंदिर तक आते हैं कि बस शिव जी के दर्शन हो जाए। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या विश्वास है आपका शिव जी? विश्वास तो बहुत है, सावन का तो दिन है, सावन चल रहा है, तो सावन में विशेष महत्व माना जाता है, शिव जी की पूजा का अर्चना का विशेष महत्व होता है। मैं अपनी लड़की के साथ आया हूँ, हर साल आता हूँ, ये 11 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। इस मंदिर से विशेष जी विशेष आस्था जुड़ी है, पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत आस्था है, गाजियाबाद के सभी लोग यहाँ पे आते हैं अभिषेक करने। सावन का महीना बहुत खास होता है, ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में सारे शिव भक्त जो हैं वो अपने अपने कृपा दिखाते हैं शिव भोले के लिए। हम 6:30 बजे चले थे कल को, हम हरिद्वार से आज अभी पहुँचे हैं 11:30 बजे तक। सावन बहुत अच्छा लग रहा है हमें, तो हमें खुशी हो रही है। हम हर साल शिवरात्रि के दिन आते हैं यहाँ, जल चढ़ा के जाते हैं, अपना मनोकामना पूरी होती है। और क्या, यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, शायद मैं भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आए हैं, इतनी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सिर्फ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में पहुँचे हैं, क्योंकि सावन का महीना बहुत खास होता है। और सबसे खास बात ये है इस मंदिर की, क्योंकि ये मंदिर आज से नहीं बल्कि कई सालों पुराना है, और यहाँ पे शिव भक्तों की विशेष आस्था बनी हुई है। इसी आस्था और विश्वास के साथ दूर दूर से लोग आते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। सावन का दिन है आज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इमोशनल हो रही हूँ भगवान के लिए कि मतलब मुझे प्राप्ति हो, भगवान के दर्शन हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे हो या बूढ़े हो, हर उम्र के लोग यहाँ पे आए हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो भाई, सावन का महीना है और सावन का महीना बहुत खास है, तो आप सभी को भी सावन शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राघव के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।